है तो वो सब गाइस वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। तो हम आज जाने वाले हैं कोई रैंडम शादी में जहाँ पे हम पे लेंगे आज फ्री का खाना। सुन, हमें ड्रेस कोड रखेंगे। क्या? कुर्ता पजामा पहन के चलेंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। और जाते ना सबसे पहले एक काम करियो, पांव छू लियो अंकल आंटी के। डन डन, मस्त प्लानिंग। तो हमने सोचा है कि जो शादी में हम जाने वाले हैं तो वो कुछ अमीर की शादी में जाए कि खाना भी बढ़िया हो और शायद पकड़े भी जाए तो डर हो। तो हम आज वो करने वाले हैं। मैं हूँ रुचिर है, तनेजा है, तो एक और बंदा है हमारे साथ, कुशल महाजन। तो हमारे बूट कैंप में आया है थोड़े दिनों के लिए घूमने, तो तेरे को बूट कैंप कैसा लगा हमारा? मैं गाइस थोड़े दिन के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं बस जाऊँ। अच्छा, क्या मैं यहीं बस जाऊँ? नहीं। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा है अभी कि हम मैं जा रहे हैं कुशल के साथ कपड़े भी लेने से, और रात को तैयार हो जाएंगे कि तुम रेडी वेडी। पहले हम जाके भाई ब्रीफ ले लेंगे, ऐसा नहीं कि कुट टूट जाए। तो अभी जाएंगे, पहले ब्रीफ लेंगे कि क्या सीन है शादी का। तो ये बताओ तुम, तुम्हें क्या लगता है हम फंसेंगे क्या? अभी अभी बताया वो नहीं फंसेगा। अभी क्रिविक्सन से बात कर रहा था मैं, तो मैंने उससे बोला कि हम शादी में जा रहे हैं एक अमीर अमीर की। तो उसने बोला था क्या, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि यूपी में कोई ना ऐसा रैंडम बंदा खाने खाने गया था और उस बंदे को पकड़ा गया और उससे बर्तन धुलाए गए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? मॉल चलोगे? मॉल में? हाँ। एक दो तीन चार कैसे बैठेंगे? ऊपर बैठेगा क्या? मैं ऊपर बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कपड़े लेने के लिए जॉन्टी भाई के लिए हम लोग कपड़े लाएंगे। ओह माय गॉड, एल याना एक्सेल खुला हो जाता ज्यादा। चलो 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 चलो, मिलते हैं अगली जिंदगी में। बाय बाय, मत आना, कोई दिक्कत नहीं। निकलो निकलो, बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। पहले प्लान करने देना सब कुछ, पहले बता देता चोंटू। तो ये प्लान कर रहे हैं वो हम बाद में दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग बूट कैंप, रेडी होते हैं पहले बढ़िया। अपना कोट पैंट पहनो या सलवार कुर्ता? सलवार, हमें सलवार, पेटी कोट पहन लियो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो हम लोग अभी एक हॉल में आए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सीन है, क्या खाने का सीन है। और हम चारों ने ये सोचा है कि आज हमें खाना खाना है, तो कहाँ से खाना है अपन को? शादी का खाना है, शादी से ही खाएंगे। अगर शादी से नहीं खा रहे हैं तो हम भूखे ही सोएंगे आज। तो भाई सीन अभी ऐसा है कि हम लोगों ने देख लिया, एक हमसे थोड़ा सा दूर है बूट कैंप से, वहाँ पे हमने देखा कि अच्छा सा कोई वेडिंग हो रही है। अब हमने सोचा कि भाई वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो देखो पासेस भी हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या सीन है। तो उसके लिए हम कर रहे हैं कि मैं पहन रहा हूँ कुर्ता वगैरह, हम लोग सारे पहन रहे हैं, क्योंकि मतलब जितना अच्छा ड्रेसअप करके जाएंगे हम उतने ज्यादा नहीं पहचाने जाएंगे। और हमने एक और सोचा है कि वहाँ पे खाना तो खाना ही है, लेकिन उसके साथ हमें दूल्हे के साथ फोटो भी खिंचानी है दुल्हन के साथ। हम सारे रेडी हो चुके हैं और हम सब ने पहना है कुर्ता, मैं तनेजा रुचिर एंड कुशल। कुछ भी करना, हाँ जूते खा के मत आना। अरे जूते भी खा जाएंगे तो क्या हो गया यार, चलो जूती खाएंगे भाई। हाँ ऐसा काम करेंगे ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दो तीन ऐसे बंदे हैं जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मतलब नॉर्मल शादी में सबको ही जा सकता है, बट महंगी शादी मतलब जिसमें इनवाइट नहीं आता उसमें गए नहीं तू कभी? दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं किया तूने? नहीं। खा क्यों पी जिया है तू? हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। कुछ तुम्हें नॉलेज दे देता हूँ। ये जिस एरिया में हम रहते हैं ना, सबसे हाई फाई लोगों का एरिया है ये। यहाँ पे इनविटेशन देखते हैं हाथ में तुम्हारे पास है कि नहीं है, तो वही तो कह रहा हूँ। क्या दिखाओगे वहाँ पे तुम? ये कैमरा दिखा दूंगा बोलूंगा मैं तो कैमरा मैन हूँ सर। हाँ ये मेरे वो एक फ्लैश पकड़ने वाला है, डोरी वगैरह जो क्या बोलते हो उसे, वायर। हाँ तो ये वायर पकड़ने वाला है। वायरलेस कैमरों का जमाना, सूती गांव से निकलेगा लग रहे एकदम। थैंक यू। लड़कियां मिलने वाले हैं आज सुन को। चलो फिर खाना नहीं, लड़कियां पटाके आएंगे। खाना वाना नहीं खाना है वहां जाके। ये नॉटी नॉटी, ये टीजिंग मी। गाइस वी आर रेडी, वी आर इन कैब, तो हम जा रहे हैं अब अपनी मंजिल पे। भैया केक था वो डिलीवर करना था, बट मिल नहीं रहा एड्रेस आसपास। हमारा वेडिंग है ना कभी?
ओके ओके शादी है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, पूछ लिया हम लोगों ने कॉल करके कि उधर शादी है, वेडिंग है, वेडिंग है दिमाग तो यार जैसे उन्होंने बोला ना है जो खुशी की लहर दौड़ी है ना कैब में इतनी खुशी मुझे। तो अपना सीन ये है कि पहले तो अपन को ना एक गिफ्ट लेना पड़ेगा ना ताकि वो रियल लगे, तो ताकि के रियल लगे तो हम लोग ये कभी कुछ लेंगे यहाँ से उसे रैप कराएंगे एंड देन वहाँ पे जाएंगे। 20 minutes later गाइस अनफॉर्चुनेटली क्या सीन हुआ, हम वहाँ पे गिफ्ट शॉप पे गए तो भाई गिफ्ट तो नहीं मिला क्योंकि नाइट हो चुकी है, 10 बज चुके हैं और यहाँ पे मुंबई में सारी दुकानें 10 बजे बंद हो जाती है। तो अभी सीन ये है कि बिना गिफ्ट के ही जाना पड़ेगा। सीन कुछ ऐसा है कि सुनो सीन कुछ ऐसा है, हम बाहर खड़े हुए फट रहे सबकी गिफ्ट। सीन ऐसा है कि सारे कोई कुर्ता वर्ता पहन के आया नहीं है, सब कोट वगैरह दिख रहे हैं तो हम लोग फट रहे हैं ऐसे नहीं। ये शादी और हमारी फट रही है। फर्स्ट स्टेप तो हो गया हम लोग का, एंटर हो गया हम लोग, लेकिन अभी अपन को फोटो भी खिंचानी है। बट अभी ना सारे ना पता है सारे लोग हमें देख रहे हैं। 15 minutes later क्या कर रहे हैं? अरे यार गोलगप्पा गिर गया यार, पता है क्या अब देखते को पता चलेगा तेरा अच्छा दोस्त कौन है। तेरे यहाँ कुर्ते पे गोलगप्पा गिरा तो साफ करेंगे। इन दोनों को देख टिक्की खा रहे हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अभी टिक्की खाते हुए मेरे पे यार देखिए पूरा कुर्ता गीला हो गया। ये देखिए सीन हो गया और सब मेरे को देख रहा है। बदल से बटन की लड़की मिलती है ना यही होता है। उनको देख मैं बदल से गया है ना। हां हां ऐसे पाव खा रहे हैं फिर वो मैया देख भी नहीं रहे यार शादी में अपनी। बोल जब बात बताओ, जब जब बॉल लेके पैसे नहीं थे तो हम हमसे लेते थे बॉल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बात देखा कि अगर वहाँ जाके बोले हम आपके दोस्त यार क्रिकेट खेलते थे याद है? अरे अरे इधर ही मुंबई कहते मैं तो अहमदाबाद का हूँ। तो देखो अगर तुम्हें जो भी चाहिए तो बस कॉन्फिडेंस रहो, ऐसा आंखों में आंखें मिला के देखो ऐसे भाई डरने का नहीं है। हम वेडिंग क्रैश करने हैं, हम अपना एक्सपीरियंस दिखाने हैं, हमें किसी का लॉस नहीं करना है कि अभी हमारे वजह से अगर तीन लॉन्डे जो है हाँ जो कम खा पाए। अब मैं बताऊँ तेरे को ये मेला आया हो ना किसी को नहीं मिला। भूखा आदमी कैसा देख रहा है खाने को क्या दिखा रहे हैं दीदी होगी दे। पिज्जा पेल रहे हैं भाव तो बढ़िया है यार निकलना है मोस्टली बिल्कुल जाए पता है भैया रखना है क्या स्पेस में नहीं रखो भैया धन्यवाद। कैन सक्सेसफुल रहा। मैंने कुछ नहीं खाया देखो टू से जा रहा हूं कह रहा मैंने कुछ नहीं खाया। तेरे हाथ में प्लेट है, तेरे ही हाथ में प्लेट है भाई। Several song-filled hours later कुछ ऐसा है कि हम लोग फोटो खिंचाने नहीं जा सकते क्योंकि अभी हम ना जैसे जा रहे थे ना स्टेज पे खड़े हुए थे तो वैसे ना लड़कियां देख रही हैं हम लोग को। आंटी ने सुन लिया और वही तो फालतू का इशू हो जाएगा गाइस। तो देखो ये पता है क्या जब ऐसा कुछ आ जाए ना सिचुएशन तो तुम्हें एक ही चीज बोलनी चाहिए गोली कल्टी मार। सुन 1 2 3 रन तेज चलाएंगे और सबको तेज भागना ठीक है। सुन तो अभी मेरे को जो है 10,000 देगा तो मैं यहाँ से कूद के सू करूंगा। पैसा ही पैसा होगा यार। शादी में गाइस मजा आया भाई मेरे को तो खाना बढ़िया था यहाँ का। तो गाइस अपनी फर्स्ट जो था वो सक्सेसफुल रहा अपना। हमारा फर्स्ट क्या था तेरा पहली बार क्या था? फर्स्ट वेडिंग क्रैश ब्रो। अब गाइस हम जा रहे हैं मूवी देखने भेड़िया। 12 seconds later. तो guys plan cancel. जा रहे हम लोग क्रिस्टल प्लाजा मोमो खाने क्योंकि आप शादी का खाना कितना भी अच्छा खा लो बट अगर मुकेश अंकल के मोमोज नहीं खाए तो क्या खाए। तो चलते हैं मोमोज खाने क्योंकि मेरा भी पेट ज्यादा भरा नहीं है, उतना ज्यादा खाया नहीं हमने। क्या बोला तूने? गाइस बहुत हम लेट हो चुके हैं, 10 बज चुका है तो यहाँ पे मोमोज वगैरह तो नहीं मिल रहे हैं तो अभी अपन लोग खा रहे हैं फालूदा। तो फालूदा खा के चलते अपने घर। सो गाइस ये व्लॉग यहीं तक का था। अगर आप लोग पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम सभी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जिसने जो करना है करो, कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसा लगा। और भी अगर आपके पास सजेशंस हो कि हम आगे और क्या बकैती कर सकते हैं तो कमेंट करके बताओ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।